चीज का इंतजार कोई फैन नहीं कर रहा क्रिकेट का, वो चीज बहुत जल्द एक दो साल के अंदर तो होने वाली है, लेकिन T20 क्रिकेट के अंदर बहुत जल्दी होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली की रिटायरमेंट का। जी हाँ, ये तो चीज क्लियर होगी, विराट कोहली अगर आपने स्टेटमेंट सुनी, उन्होंने काफी सारी बातें भी की, इससे एक चीज तो पता चल रही है कि विराट कोहली जो है ना क्रिकेट को अपना सब कुछ अचीव करने के बाद, किसी चीज का रिग्रेट ना रखने के बाद, उन्होंने क्रिकेट को छोड़ के एकदम से गायब हो जाना है, और फिर वो एक लंबे समय के लिए गायब रहेंगे, फिर वो वापस आएंगे, जो उनकी बातों से अंदाजा हुआ है। सवाल ये आता है कि क्या फैंस तैयार हैं, क्या आप लोग रेडी हैं विराट कोहली के बगैर क्रिकेट को देखने का? देखिए, हमने देखा है कि एक जाता है दूसरा आता होता है, ऐसे ही लगाव बनता है, ऐसे ही जैसे कहते हैं ना फैन बेस चेंज होती है, लेकिन विराट कोहली एक ऐसा नाम है कि इसकी तो फैन फॉलोइंग खाली इंडिया में नहीं, इंडिया के साथ साथ हमसाए मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी इतनी है और पूरी दुनिया के अंदर भी इतनी है। तो विराट कोहली के जाने के बाद एकदम से क्रिकेट के अंदर थोड़ा तो झटका लगेगा और बड़ी ज्यादा कमी फील भी होगी, लेकिन फिर भी आपको पता ही है ना, वक्त के साथ साथ जमाना चलता है, लोगों को दूसरी आदत पड़ जाएगी, किसी और कोई और प्लेयर को पसंद करने लग जाए, कोई और प्लेयर दिल जीत लेगा, तो क्या ऐसा कोई प्लेयर आएगा अभी जो विराट कोहली की जगह ले पाए? ये बड़ा मुश्किल काम है। अलबत्ता मैं बात करता हूँ जरा विराट कोहली की लेटेस्ट स्टेटमेंट की। विराट कोहली क्या कहते हैं, आई थिंक एज अ स्पोर्ट्स मैन वी डू हैव एन एंड डेट टू अवर करियर। बिल्कुल सही बात है, एक ना एक दिन तो करियर ने खत्म होना ही है, तो मैं चाहता हूं कि मैं जैसा कहता ना अपना इस तरह से सब कुछ फिनिश करूं कि मुझे कोई रिग्रेट ना रहे। विराट कोहली कहते हैं उनको कोई रिग्रेट रही ना, कि अगर मैं ये चीज कर लेता, अगर मैं वो चीज कर लेता, मैं ये रिग्रेट लेके नहीं जाना चाहता, क्योंकि जब मैं जाऊँगा तो मैं एक लंबे टाइम के लिए जाऊँगा और फिर मैंने वापस नहीं आना, मैं बहुत देर बाद आऊँगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज का रिग्रेट रखूँ ना, ये उनकी बात थी। तो वो कहते हैं कि बिकॉज आई कांट कीप गोइंग ऑन फॉर एवर, सो इट्स जस्ट अबाउट नॉट लिविंग एनी अनडन बिजनेस। मैं नहीं चाहता कोई जैसा कहता ना अनडन बिजनेस रह जाए मेरी जिंदगी के अंदर, मैं सब कुछ अचीव करना चाहता हूँ, कोई रिग्रेट ना रह जाए जो बाद में मुझे पछतावा। तो विराट कोहली का अगर आपने इस चीज़ों को देखा हो, तो विराट कोहली ने क्या चीज़ हासिल नहीं की अभी तक? विराट कोहली ने सब कुछ तो हासिल कर लिया, 50 ओवर के सेंचुरी कर दी है, 100 उसके वैसे ही क्रिकेट के अंदर 100 हो जाएंगे बहुत जल्दी, ओडीआई वर्ल्ड कप विराट कोहली ने जीता हुआ है, टेस्ट की नंबर वन टीम इंडिया को उसने बनाया हुआ है, कैप्टनसी उसने कर ली हुई है, सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड उसका है, पूरी दुनिया में फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा उसके, सब कुछ तो उसने हासिल कर लिया है सिवाय एक T20 वर्ल्ड कप के। तो विराट कोहली शायद ये भी कह रही हूँ कि मैं चाहता हूँ कि T20 वर्ल्ड कप एक दफा जीत जाए, ताकि ये मुझे रिग्रेट ना रहे कि ये मैंने कर लिया होता तो काश ये हुआ होता। लेकिन ये तो कंफर्म है कि 2024 रोहित शर्मा का तो आखिरी T20 वर्ल्ड कप है, लेकिन इसी के साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि विराट कोहली का भी ये लास्ट T20 वर्ल्ड कप होगा, विराट कोहली भी रिटायरमेंट दे देंगे, तो ये टाइम आने वाला है, आपको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रोहित भी नजर आएगा, कोहली भी नजर आएगा, लेकिन इस वर्ल्ड कप की जो कहानी है ना, वो मेरा ख्याल है कि काफी सारे प्लेयर्स के करियर को खत्म कर देगी, स्पेशली इंडिया के। पाकिस्तान की तो भी टीम स्टार्ट हुई है ना, रीबिल्ड होकर दोबारा से बनी है, ये आगे लंबा अरसा चलेंगे, ये लोग नहीं चल पाएंगे, तो ये चीज बड़ी मैटर करती होती है। विराट कोहली का तो खैर जो होना था वो तो हो गया, अब विराट कोहली के स्टेटमेंट भी आगे बड़े अरसे बाद जैसे कहते हैं एक स्टेटमेंट है, मिस बाउलक ने बड़ी अच्छी बात की है, मिस बाउलक कहते हैं कि देखिए आपको क्या लगता है 2017 वाला आमिर अभी भी आमिर है? 2017 वाले आमिर और 2024 वाले आमिर के अंदर बहुत फर्क है, 2017 के अंदर जो उसके पास पेस था हमने भी ये बात की हुई थी, सिर्फ एक चीज अभी तक वो है, वो ये चीज है कि 2017 वाला आमिर और 2024 वाले आमिर में सिर्फ एक चीज आप कह सकते हैं एडवांटेज ये है कि उसको एक्सपीरियंस अब बहुत ज्यादा है, लेकिन जो बॉलर 2017 वाला आमिर था वो ज्यादा अच्छा था, अब की नस्बत अगर बात करें वो वाला आमिर ज्यादा अच्छा था, अब की नस्बत सिर्फ और सिर्फ उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, और ये पाकिस्तान के लिए हेल्दी साबित हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो जिस स्टेडियम के अंदर पाक वर्सेस इंडिया का मैच है, जो ये स्टेडियम भी बना है रेडी हुआ है, इसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी है, जिसकी ओपनिंग हुई जिसके अंदर हरभजन सिंह भी आए हुए थे, तो हरभजन सिंह क्या शुएब मलिक भी थे? शुएब मलिक ये कहते हैं पाकिस्तान को अपना ओपनिंग प्लेयर देखना चाहिए, अगर तो कंडीशन ऐसी है कि हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे तो साई में युग को रखे, अगर तो एवरेज पिचेस है 150-160 वाला स्कोर है तो फिर बाबर और रिजवान के साथ जाए। हरभजन सिंह क्या कहते हैं, द पिचेस एट नसुआ क्रिकेट स्टेडियम आर रिलेटिवली अननोन, कोई नहीं जानता, इवन टू द पिच क्यूरेटर्स देमसेल्फ इट्स अनसर्टेन
how long these pitches will hold up, how much heat they will endure, the extent of watering applied to the pitch or the level of bounce they will offer. तो वो कह रहे हैं कि अननोन नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कितना बाउंस देंगी, कितना जैसा कहते हैं स्लो होगी, किसी को कुछ नहीं पता इन पिचेस के बारे में, वक्त ही बताएगा. शुएब मलिक ने कहा कि देखिए ये ऑस्ट्रेलिया से आई है तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली बाउंस तो होगा इस स्टेडियम के अंदर, इस पिच के अंदर. तो अब देखते हैं कि तब तक कि कितने चेंजेस होते हैं इस पिच के अंदर. इसी के साथ साथ व्हेनेवर अ न्यू स्टेडियम, ये कहते हैं क्रिस स्ट्रैटली, व्हेनेवर अ न्यू स्टेडियम कम्स अप देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन अबाउट दिस साइज, बट ये जो स्टेडियम है ना उन्होंने इसका साइज बता दिया है. 75 यार्ड्स है ईस्ट और वेस्ट, लेफ्ट और राइट जो है ना वो 75 यार्ड्स है, और 67 यार्ड्स है नॉर्थ और साउथ फ्रॉम दिस सेंटर. तो मतलब कि नॉर्थ और साउथ जो है ना वो 67 यार्ड्स हैं, और इसके अंदर ही अगर आप पिच का भी एस्टिमेट लगा लो तो स्ट्रेट की बाउंड्री आप तकरीबन कह सकते हैं कि ये काफ़ी बन जाती होती है, 75 से प्लस ही बनेगी ये बाउंड्री स्ट्रेट की. तो इट इज़ सिमिलर टू द साइज ऑफ वानखेड़े स्टेडियम, द ड्रेनेज फैसिलिटीज टू विल बी वर्ल्ड क्लास. तो ड्रेनेज फैसिलिटी भी अच्छी है वानखेड़े के स्टेडियम जैसा ये लग रहा है. लेट्स सी, देखते हैं कि अब ये किस तरह का स्टेडियम साबित होगा 9 जून को जब भारत वर्सेज इंडिया का इस स्टेडियम के अंदर मैच होगा.